तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम एनाटॉमी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में बता दें। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिर्फ हम स्ट्रक्चर को देखते ही नहीं, सिर्फ उसके जो फंक्शंस हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर फंक्शन करता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। सो प्लांट्स में हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे। तो प्लांट के अंदर जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो है सेल। और जब ये सेल एक ग्रुप बनाते हैं, इसको कहते हैं टिश्यू। और फिर टिश्यू आगे जाके एक ऑर्गन बनाता है। तो टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, ये इनका एक ही ओरिजिन होता है, एक ही ओरिजिन से आए होते हैं ये। और इनका जो फंक्शन होता है वो भी यूजुअली सेम होता है। सो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ किडनी सेल्स की। जो किडनी में टिश्यूज़ होते हैं, उनका ओरिजिन सेम होता है और उनका फंक्शन होता है टू डू एक्सक्रीशन। तो वो सिर्फ किडनी में रह कर ही वो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वो हार्ट का फंक्शन नहीं करेंगे, वो ब्रेन का फंक्शन नहीं करेंगे, वो स्टोमिक का फंक्शन नहीं करेंगे। उनका जो फंक्शन है वो वही करेंगे। सो दे हैव द कॉमन फंक्शन। सो प्लांट में हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम और इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं किस किस टाइप की टिश्यूज़ हैं प्लांट में। तो टिश्यू प्लांट में दो टाइप के हैं, मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टमैटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं और प्लांट की ग्रोथ में मदद करती हैं। प्लांट की जो लेंथ है इसी की वजह से इंक्रीज होती हैं। तो ये रूट टिप्स पे एंड शूट टिप्स पे होती हैं। तो जो परमानेंट सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं होती हैं, मतलब पहले ये डिवाइड हो गई होती हैं जब ये मेरिस्टमैटिक सेल्स होती हैं, लेकिन जब ये मतलब ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं, मतलब इनको एक पर्टिकुलर फंक्शन करना होता, चाहे वो फोटोसिंथेसिस का हो, चाहे वो कंडक्शन ऑफ वाटर हो, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स हो, तो इनको एक पर्टिकुलर जो है फंक्शन जो है वो करना होता है और ये फर्दर डिवाइड नहीं होती है। बट जो मेरिस्टमैटिक के सेल्स हैं, इनका काम है यही टू डिवाइड कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन जो परमानेंट सेल्स हैं उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया होता है, अभी सिर्फ फंक्शन कर रहे होते हैं। सो मेरिस्टमैटिक सेल्स को हमने डिवाइड किया है प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम में ऑन द बेस ऑफ देयर टाइम ऑफ फॉर्मेशन। जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो पहले बनती हैं एंड जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो बाद में बनती हैं। तो जो प्राइमरी मेरिस्टम है ये लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करती है, और जो सेकेंडरी है वो गर्थ, जो स्टेम की ब्रेड्थ है, जो प्लांट का जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज़ करते हैं, जैसे वेस्क्यूलर कैम्बियम हुआ, कॉर्क कैम्बियम हुआ, वो जो आगे हम पढ़ेंगे। सो सेकेंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब मेरिस्टम कहाँ कहाँ पे है प्लांट में, उसके बेस पे हमने इसको एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी में देखा। तो एपिकल अगर आप देखोगे, इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप्स, एट द शूट टिप्स, एट द रूट टिप्स। तो यूजुअली ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। फिर आता है लेटरल। लेटरल मीन्स कि जो साइड में होती हैं। तो साइड में क्या होता है, वेस्क्यूलर कैम्बियम होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है, उससे जो प्लांट का स्टेम की जो गर्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। नंबर थर्ड इज़ इंटर कैलरी। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज और ये मोनोकॉट्स में होता है। मोनोकॉट्स में जो वीट हुआ, शुगर केन हुआ, तो ये जो सेल्स होती हैं ये या तो नोड्स पे होती हैं या जो लीफ के, जो आप देख रहे हो लीफ के बेस पे, जहाँ पे स्टेम के साथ अटैच होता है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती हैं ये सेल्स। तो जो ये हर्बीवोर्स जब ये घास खाते हैं तो जो ये डैमेज करते हैं ये घास को, तो वहाँ पे भी इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है और वहाँ से भी फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम ही उस घास को उस दोबारा से रिजनरेट करते हैं, दोबारा से ग्रो करती है, फिर घास फिर से उगती है। सो परमानेंट में हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ सेल्स, सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। अगर आप देखोगे सिंपल सेल में सिंपल है और कॉम्प्लेक्स में, एग्जाम्पल ही हमने जाइलम में देखो आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है इकट्ठे हुए हैं और ये कंडक्शन ऑफ वाटर का फंक्शन कर रहे हैं। सो सिंपल इज़ सिंपल टिश्यू इज डिवाइड इंटू एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल जो टिश्यू होता है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवर अराउंड द कॉर्टेक्स, अराउंड द ग्राउंड टिश्यू। ओके, सो कॉम्प्लेक्स इज डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे वेसल्स हैं, ट्राइकेट्स हैं, फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल्स हैं,
सीव ट्यूब है वगैरह। तो एपिडर्मल हमने पढ़ा, अब हम देखते हैं ग्राउंड टिश्यू क्या होता है। ग्राउंड टिश्यू जो है ये एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम को कहते हैं, उसके सेंटर में अगर आप डायग्राम को देखोगे इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द वेस्कुलर बंडल एंड द एपिडर्मिस। तो ये एक फिलिंग सब्सटेंस जो है प्लांट में होता है। तो मैं आपको समझाती हूँ, जैसे एक वाटरमेलन है उसके अंदर जो रेड जो पल्प होता है वो समझ लो आप ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है, और उसके अंदर जो सीड्स है वो समझ लो आप जाइलम फ्लोएम है। मतलब जो ये जाइलम फ्लोएम है ये इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर एम्बेडेड हैं, ठीक है, दबे हुए हैं, इनके अंदर हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड सिकेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं वो थिन होती हैं एंड इनकी यूनिफॉर्म थिकनिंग होती है। यूनिफॉर्म मीन्स पूरे सर्कल में इनमें एक ही तरह की थिकनिंग होती है। सो कोलेन्काइमा जो है वो पैरेन्काइमा से ज़्यादा थिक होते हैं और इनकी जो कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है, इरेगुलर थिकनिंग होती है। और जो सिकेन्काइमा है इट इज़ ये इसकी जो थिकनिंग होती है काफ़ी हार्ड होती है इन दोनों से। ओके, तो फिर हम दोबारा से इस चीज़ को रिवाइज करते हैं। तो टिश्यू ओके, तो ये हो गए जो सिकेन्काइमा, इनकी जो सेल्स थिकनिंग होती है काफ़ी हार्ड होती है इन दोनों की वजह से। दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, इसलिए ये सिंपल टिश्यूज़ कहलाते हैं। सो अगर हम इसका रिवाइज करते हैं तो टिश्यूज़ जो हैं वो दो टाइप्स की है, मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टम को हमने दो में क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। लोकेशन में हमने एपाइकल पढ़ा, एपाइकल जो है वो रूट टिप्स पे शूट टिप्स भी होती है और ये लेंथ इंक्रीज करती है, लैटरल गर्थ इंक्रीज करती है और इंटरकैली मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है। परमानेंट में फिर हमने पढ़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल में एपिडर्मिस ग्राउंड टिश्यू पढ़े और इसमें पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा सिकेन्काइमा पढ़े। कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़े जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। सो इसमें हमने ये सब पढ़ा, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ दिया था मैंने। तो नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर होंगे उनमें हम डिटेल में मेरिस्टमैटिक्स से लेकर ये जो एंड है फ्लोएम के है वहाँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा अबाउट मेरिस्टमैटिक सेल्स, नेचर ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल, देयर फंक्शन एट्सेट्रा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।